एमटीटी में पुनः स्वागत है। सीबीएसई 2020 का एग्जामिनेशन जल्द होने वाला है। 2019 में आए हुए मैथमेटिक्स के प्रश्न पत्रों का हल बहुत छात्रों द्वारा मांग किया गया। मैंने सोचा जो इसे पुनः अपने तरीके से हल कर लोड किया जाना चाहिए ताकि हमारे छात्रों को लाभ हो सके। एक्सप्लेनेशन के साथ मैं इसे एक एक कर सारे प्रश्नों का हल दूंगा। आप इसे ज़रूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। सीबीएसई 2019 का पहला प्रश्न है, टू कंसेंट्रिक सर्किल्स ऑफ रेडिया ए एंड बी, ए इज ग्रेटर देन बी आर गिवन, फाइंड द लेंथ ऑफ द चोर्ड ऑफ द लार्जर सर्किल व्हिच टचेज द स्मॉलर सर्किल। इसके सॉल्यूशन को देखें, इसमें दो सर्किल है जो कंसेंट्रिक है। कंसेंट्रिक का अर्थ होता है जिसका सेंटर एक ही हो। इसमें ये छोटे वाले सर्किल हैं और ये बड़े वाले सर्किल हैं। छोटे वाले सर्किल का रेडियस बी है और बड़े वाले सर्किल का रेडियस ए है। इसमें एक ही थ्योरम कार्य कर रहा है जो ये है, किसी सर्किल के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब अर्थात चोर्ड पर डाला गया लंब उसे समद्विभाजित करता है। अर्थात ये परपेंडिकुलर जो ये सेंटर से इस पर डालेंगे वो इसे दो भाग में बांटेगा। अर्थात ये जब टेंजेंट है अर्थात स्पर्श रेखा है तो किसी भी सर्किल पर जो ये स्पर्श रेखा होता है उसके सेंटर से जो ये लाइन मिलाते हैं इस पर ये परपेंडिकुलर होता है। अर्थात इस थ्योरम और इस थ्योरम को मिलाने से हम पाते हैं जो ये राइट एंगल ट्रायंगल बन जाता है। अब राइट एंगल ट्रायंगल के पैथागोरस थ्योरम से हम जानते हैं ये हाइपोटेनस हो गया, ये परपेंडिकुलर और ये बेस हो गया। तो हम पहले बी और सी को निकाल लेते हैं। तो अर्थात बी सी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा ये ओ बी स्क्वायर माइनस ओ सी स्क्वायर। तो इस स्थिति में हम बी सी स्क्वायर हम निकालने के लिए ये देखते हैं जो ओ बी अर्थात ये ओ बी जो ये रेडियस है बड़े सर्किल का वो ए दिया हुआ था, ए स्क्वायर माइनस ओ सी, ओ सी अर्थात ये छोटे सर्किल का रेडियस बी, तो बी स्क्वायर हो गया। अर्थात बी सी इक्वल टू हम करेंगे तो इसका अंडर रूट हो जाएगा। तो ये बी सी निकल गया। तो ये हम जानते हैं जो किसी सर्किल के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब उसे समद्विभाजित करता है, तो अर्थात ये इसके बराबर है तो इसका ये दूना हो जाएगा। अर्थात ए बी इक्वल टू टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यही हमारा आंसर होगा। अब हम चलते हैं सेकेंड क्वेश्चंस पर। सेकेंड क्वेश्चंस सीबीएसई 2019 में जो पूछे गए थे उसमें ये फिगर दिए गए थे और उस फिगर में था फिगर इन फिगर वन पी एस इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, क्यू एस इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, एंगल पी आर क्यू इक्वल टू थीटा, एंगल पी एस क्यू इक्वल टू 90 डिग्री, पी क्यू इज परपेंडिकुलर टू आर क्यू एंड आर क्यू इक्वल टू 9 सेंटीमीटर, एवेल्युएट टेन थीटा। अब यहाँ हम इस फिगर को ऑब्जर्व करें और ये देखें तो ये 90 डिग्री है, तो यहाँ भी ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है जो ये 3 सेंटीमीटर ये 4 सेंटीमीटर है। तो 90 डिग्री के सामने का जो ये साइड है पी क्यू ये हाइपोटेनस हो गया इसका, यानी पी क्यू हम निकाल लेते हैं। तो ये पैथागोरस थ्योरम से जानते हैं पी क्यू
इक्वल टू हो जाएगा 3² + 4² का अंडर रूट, अर्थात ये हमारा 5 निकल गया, 5 सेंटीमीटर। अब पुनः ये फिर राइट एंगल ट्रायंगल बन जाता है। इसमें हम देखते हैं टेन थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार, अर्थात परपेंडिकुलर बाय बेस, तो अर्थात ये पी क्यू बटा क्यू आर, तो अर्थात टेन थीटा इक्वल टू हो जाएगा पी क्यू, हमने इवेल्युएट किया है 5 सेंटीमीटर, और यहाँ क्यू आर 9 सेंटीमीटर, तो ये हमारा आंसर हो गया। इसी में अथवा करके एक प्रश्न था, और ये बहुत आसान ही है, इफ टेन अल्फा इक्वल टू 5/12 फाइंड द वैल्यू ऑफ सेक अल्फा, तो इसके सॉल्यूशन को हम देखेंगे। ये तो बहुत आसान है, चूंकि ये ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो है, तो ये टेन अल्फा अर्थात परपेंडिकुलर बाय बेस उसका रेशियो है, तो उस स्थिति में हम रेशियो कांस्टेंट अगर के मान लेते हैं, तो इस ट्रायंगल का परपेंडिकुलर हो गया 5k यूनिट, और बीसी हो गया 12k यूनिट। अब हम एसी पाइथागोरस थ्योरम से कैलकुलेट कर लिए, एसी स्क्वायर इक्वल टू होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, तो इस आधार पर हमने इसको 13k कैलकुलेट किया। अब देखते हैं, और देखिए इसमें ये आप लोगों को मेमोराइज होगा, साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा, तो इसमें देखिए टेन का कॉट कॉस का सेक और साइन का कॉसेक उल्टा हो जाता है, रिवर्स हो जाता है, तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है आधार बटा कर्ण अर्थात बेस बटा हाइपोटेन्यूस, तो यहाँ बेस बीसी है, तो बीसी बटा एसी ये हाइपोटेन्यूस, तो इसका रिवर्स हो जाएगा एसी बटा बीसी सेक, ये मेमोराइज करने के लिए है। तो बीसी यहाँ 12k है और एसी यहाँ हमने 13 के कैलकुलेट किया, के कैंसिल हो गया, यानी 13/12 हमारा आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से हम दो प्रश्न को देखें, आगे फिर हम नेक्स्ट अगले प्रश्न को देंगे, सीबीएसई 2019 के सारे प्रश्नों के हल उस एक्सप्लेनेशन के साथ हम लोड करने जा रहे हैं। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, थैंक्स फॉर वॉचिंग।